और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे? ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है, इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। मैं यूपी की टीम को, प्रियंका जी को, मोना जी को, लल्लू जी को, और हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरे दम से लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप उत्तर प्रदेश की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वो दृष्टि, वो सोच, वो रास्ता जो आपने गठित किया है उसकी चर्चा आपसे करेंगी। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसे राहुल जी ने कहा, ये जो भर्ती विधान है इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के ज़िले ज़िले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहाँ जहाँ हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। उन्होंने, वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोज़गार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोज़गार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। तो इसमें जिस तरह से, मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोज़गार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोज़गार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोज़गार जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोज़गार के विषय में और ख़ास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं
उनका जो जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। तो भरोसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोज़गार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाएं। इस विधान में भविष्य निर्माण के लिए कि अगर कोई युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसको उसका कुछ कोई हुनर है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, उसको कैसे हम मदद करें, उसका समर्थन कैसे करें, वो भी इसमें एक अलग सेक्शन में है। एक और सेक्शन है भागीदारी। आपको मालूम होगा कि कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते और पूरी तरह से जो भागीदारी है युवाओं की वो नहीं हो रही है। तो इन सब को बातों को एड्रेस करते हुए ये है, ये सेक्शन है। और एक आखिरी सेक्शन है जिसमें भलाई की बात की है, जिसमें हमने जो जो नौजवानों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और जो रिक्रिएशन की समस्याएं हैं उनको हमने एड्रेस किया है। इनके कुछ डिटेल मैं आपको देना चाह रही हूँ। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का ये दस्तावेज है। इसमें हमने जैसे कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विद्यालयों में 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन के जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं गई की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है उसको रिलैक्स करके जहाँ जहाँ हुनर है, जहाँ जहाँ 100 से ज़्यादा एक ही इंडस्ट्री की यूनिट्स हैं, वहाँ पे उसे क्लस्टर डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें पूरी सुविधाएं और जितने भी साधन संसाधन हैं वो दिए जाएंगे ताकि उनका बढ़ावा हो। इसमें ख़ास तौर से हम युवाओं पे फोकस करेंगे। भर्ती प्रक्रिया में जो भरोसा टूटा है नौजवानों का, उसको एक बार फिर जागरूक करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके फॉर्म भरने की जो फीस हैं वो कहीं भी नहीं लगेंगे, तो फीस पूरी तरह से माफ़ होंगी। परीक्षा देने के लिए जब बस ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी वो भी मुफ्त होगी। एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब परीक्षाएं देते हैं तो साल भर के लिए रिजल्ट नहीं आता, उसका कट ऑफ चेंज हो जाता है परीक्षा देने के बाद, या फिर पेपर लीक होता है तो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। तो इस समस्याओं को इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसमें परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तारीख, रिजल्ट की तारीख, नियुक्ति की तारीख पहले से दर्ज की जाएगी। इसका कड़ाई से पालन करवाएंगे और इसके उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। पेपर लीक को रोका जाएगा, क्यों किस तरह से सरकारी जगहों पर पेपर की छपाई होगी, लीक की स्थिति में कड़ी सज़ा होगी। तो इसके अलावा भी बहुत ऐसे हमने मुद्दे इस विधान में लिखवाए हैं
और हम उनको पूरा करेंगे। जिस तरह से आज जो पेपरों में इतना घोटाला हो रहा है परीक्षाओं में, इसको बंद करने के लिए हम पूरी तरह से अपना प्रयास करेंगे। जो आरक्षण का घोटाला है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, उस तरह के घोटालों को रोकने के लिए, आरक्षण को सही से लागू कराने के लिए, हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक और नियमों की अनदेखी पर कड़ी सजा होगी। भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होती है। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की जो बजट है वो कम की है। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए, और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसे बढ़ाया जाएगा। ये अच्छे रोज़गार के लिए, एक मजबूत भविष्य के लिए एक पहली सीढ़ी है। इसीलिए जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं, उन सब में लाइब्रेरीज, फ्री वाईफाई, लैब, हॉस्टल, मेस, इन सब सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेज में रोज़गार से सीधी जुड़ी प्लेसमेंट सेल होगी, जो एडवांस में होगी। इसी तरह से जब हमने भागीदारी की बात की, तो लोकतंत्र की बहाली और एक इंक्लूसिव प्रक्रिया कराने के लिए सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रावास चुनाव की बहाली होगी। दलित, ओबीसी, आदिवासी और ईवीएस, ईडब्ल्यूएस के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप समय पर मिले, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। उनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा और राशि भी बढ़ाई जाने की हम पूरा प्रयास करेंगे। इस सुविधा के लिए एक सिंगल विंडो स्कॉलरशिप पोर्टल खोला जाएगा, जिसके तहत अप्लाई करना भी आसान होगा और स्कॉलरशिप की में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। सफाई कर्मियों के परिवार के युवाओं को एक प्रशिक्षण के लिए और रोज़गार के लिए नए अवसर निकाले जाएंगे। अति पिछड़े समूह और नदी पर निर्भर वर्गों, खासतौर से निषादों, मल्लाओं, इन वर्गों के लिए मत्स्य पालन, नौका व्यवसाय, वाटर स्पोर्ट्स के संबंधित व्यवसायों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाई जाएगी। ये क्यों? क्योंकि जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमको बताया कि जैसे क्रूज शिप्स आ रही हैं, बहुत आधुनिक टाइप्स की जो नदियों पे जो व्यापार हो रहे हैं, उनमें उनकी भागीदारी एकदम ख़त्म हो गई है, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसी संस्थान जिनमें उनको पूरी प्रशिक्षण मिले, उनको इसकी ट्रेनिंग मिले कि किस तरह से वो खुद इन व्यापारों में शामिल हो पाए, इसलिए हमने ये सोचा है। अति पिछड़े समूह को व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% की ब्याज पर 5,00,000 तक का ऋण मिलेगा। इसके साथ साथ ये कुछ अहम मुद्दे हैं, पूरा डिटेल तो आपको विधान में ही मिलेगा। इसके साथ साथ जो नौजवानों की मानसिक भलाई है और शारीरिक खुशहाली है, उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन नशीले पदार्थों का इस्तेमाल युवकों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके समाधान के लिए, उनकी मदद के लिए हम एक ऐसा संस्थान बनाना चाहते हैं जो इसका सेंटर लखनऊ में होगा, जो पूरी तरह से काउंसलिंग, ड्रग एडिक्शन के लिए ये सारी काउंसलिंग का काम करेंगे, और उनके 4 हब होंगे अलग अलग जगहों में, जहां से काउंसलिंग के कैंप्स और ड्रग एडिक्शन के लिए उनसे नौजवानों को काउंसलिंग के लिए वहां पे कैंप्स लगाए जाएंगे। हम एक बड़ा यूथ फेस्टिवल कराना चाहते हैं प्रदेश में हर साल, जिसमें प्रदेश के जो लोकल हुनर हैं, जो लोकल कल्चरल और ट्रेडिशनल सांस्कृतिक चीज़ें हैं, और इसमें जो युवाओं की पसंद की चीज़ें हैं वो भी हम शामिल करें। ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा। और क्रिकेट के लिए एक विश्व स्तरीय अकेडमी खुलवाना चाहते हैं। खेलों में स्थानीय कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अकेडमी की स्थापना, लेकिन जो स्थानीय कौशल है, जैसे सोनभद्र में तीरंदाजी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुश्ती बहुत होती है, उस तरह से उन्हीं जोन्स में ऐसी अकेडमीज़ बनाना जिनसे ये जो स्किल्स हैं इनको बढ़ाया जा सके। और जैसे जो हमने निषादों के लिए और नदी के आसपास रहने वाली कम्युनिटीज़ के लिए हमने कहा है, उनके लिए भी, क्योंकि वो
पहले से ही उनका एक बहुत हुनर होता है तैरने में, डाइविंग में, तो उनको क्यों ना ओलंपिक लेवल तक डेवलप कराने के लिए एक एकेडमी बनी जाए जहां से वो उन्हीं स्पोर्ट्स में जिनमें पहले से वो सक्षम है उनको डेवलप करके वो ओलंपिक स्तर पर उनका कंपटीशन या उनको कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। ये सब बातें हैं इस भर्ती विधान में, लेकिन इसके अलावा बहुत और बातें हैं। हमारा प्रयास ये रहा है कि हम प्रचार के समय भी और आगे भविष्य में भी हम नकारात्मक बातों को करने के बजाय प्रदेश के भविष्य के लिए, उनके नौजवानों के भविष्य को बनाने के लिए सकारात्मक बातें करें। हमने जो खाका तैयार किया है ये एक कमिटमेंट है जिसे हम पूरा करेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें जो भी लिखा है वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए पूरा करें, ताकि आपकी भविष्य की ठोस बात हो, आपको नकारा नहीं जाए। आज जो प्रचार चल रहा है वो ज़्यादातर नकारात्मक प्रचार है या फिर जाति पर आधारित सांप्रदायिक प्रचार है। हम चाहते हैं कि विकास पर बात हो, चुनाव में आपके भविष्य की बात हो और आपका भविष्य उज्जवल बने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।